रीवा जिले के चाक घाट से इस वक्त की बड़ी खबर। एमपी बोर्ड परीक्षा परिणाम में चाक घाट की कनक ताम्रकार ने भी प्रदेश स्तर पर लहराया अपना परचम। दसवीं बोर्ड परीक्षा में 485 अंक प्राप्त कर प्रदेश में दसवां स्थान किया हासिल। बता दें कि कनक जो कि चाक घाट के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है एवं पूर्व में क्षेत्र के ही प्राइवेट विद्यालयों से शिक्षक ग्रहण किया जा रहा था, परंतु किन्हीं कारणों की वजह से आगे की पढ़ाई शासकीय विद्यालय में पूर्ण किया जा रहा है। कनक ने बताया कि विद्यालय के साथ साथ कोचिंग क्लास ज्वाइन कर अपने शिक्षा को और मजबूत करते हुए यह सफलता हासिल किया है। इस उपलब्धि पर परिवार जनों के साथ ही विद्यालय के शिक्षकगण, नगर और क्षेत्र के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस दौरान नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिमा सतीश गुप्ता की ओर से व्यापारी प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक सतीश गुप्ता द्वारा कनक ताम्रकार को सॉल्स श्रीफल से सम्मानित कर मिठाइयां खिलाकर शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना करी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इतना पाया, लेकिन इन सभी का श्रेय सबसे ज्यादा मैं अपने स्कूल को और अपने कोचिंग सेंटर को देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे कोचिंग सेंटर के जो टीचर हैं उन्होंने हमें बहुत ही कम फीस में पढ़ाया है और अच्छे से अच्छा पढ़ाया है, और उन्होंने ही मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि मुझे अच्छा करना है और अच्छे से अच्छा करना है। मेरे स्कूल के सभी टीचरों ने मेरे सक्सेस में बहुत ज़्यादा योगदान किया, और मेरे पापा मम्मी ने मुझे कभी भी मार्क्स के लिए कोई प्रेशर नहीं दिया है कि आपको इतना लाना है या आपको इतना लाना है। मैंने अपने मर्जी से मुझे जितना मुझसे हो सका मैंने उतनी ही पढ़ाई किया। ये नहीं है कि मैं दिन भर बैठ के पढ़ती रहती थी, मैं जब पढ़ने बैठती थी अपनी पूरे मन से बैठती थी पढ़ने, और जो पढ़ती थी वो एकदम मन से पढ़ती थी और सारा समझती थी। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं रखती थी अपने ऊपर, एकदम आराम से मैंने पढ़ाई की है और मेरा रिजल्ट अच्छा आया है, मुझे बहुत खुशी है। वहाँ के शिक्षकों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में कोई पढ़ाई नहीं होती, लेकिन हमारे स्कूल में कोई भी एक ऐसी क्लास नहीं होती है जो खाली हो। टीचर बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ने बैठाते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल के बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे स्कूल के टीचर सभी बहुत स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेकर, सभी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आगे किस प्रकार से आप बढ़ना चाहेंगे? आगे अब फिर मैं मैथ्स लेके और आगे जो भी सब करना चाहूंगी वो सब मैं करूंगी। सम्मानित करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कनक बिटिया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और कनक बिटिया ने नगर का नहीं पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आगे इसी तरह हमारे चाकघाट नगर परिषद का नाम आगे उज्जवल करती रहे, इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से अपने त्योथर क्षेत्र से कई बच्चे लगातार प्रदेश स्तर में अपना परचम लहरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और हमारे त्योथर तहसील में जो भी बच्चे परचम लहराना चाहते हैं उनके लिए हर प्रकार की सुविधा और दिया जाए, और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके आगे आगे पढ़ाने में उनकी मदद करें और उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मीडिया आपकी प्रदेश स्तर में प्रदेश में दसवां स्थान हासिल, किस प्रकार से जो बच्ची की जो पढ़ाई लिखाई किस प्रकार से आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि मेरी बिटिया ने मेरा नाम इतना बड़ा, मेरे घर का नाम रोशन किया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बिटिया इतना, पूरे ताम्रकार परिवार को गर्व है इस बात, पूरे ताम्रकार समाज। जिस प्रकार से बच्चे की पढ़ाई है, पढ़ाई किस प्रकार से रहती थी, किस प्रकार? बहुत ही अच्छे मन से और मन लगा कर पढ़ती थी, जो भी पढ़ती थी बिल्कुल मन लगा के पढ़ती थी, अच्छे एक एक पॉइंट वो समझती थी, कोई पॉइंट छूटे ना वो अध्ययन में निर्भर थी, ना वो पूरे अपने वो बुक से ही हमेशा पढ़ाई करती थी, बुक की एक एक पॉइंट वो समझती थी, कहती थी, जो ना समझ में आई अपनी दीदी से, मैम से, कोचिंग के वाले सर से सबसे पूछती थी, सबसे कंफर्म करती थी। हाँ, धन की कमी तो थी इसीलिए वहाँ पे डाले थे, लेकिन मेरी बच्ची ने वहाँ भी पढ़कर मेरा और मेरे घर वालों का सबका नाम रोशन किया। कनक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से एक थी, जो कोचिंग का टाइम समाप्त होने के बाद भी कुछ समय हमारे पास वहाँ पर बैठकर दो चार दस मिनट जो भी कंफ्यूजन रहता था वो पूछती थी, समझती थी। ये मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से एक हैं।